कसम उठाए करना है प्रारंभ, आओ कदम बढ़ाए करना है प्रारंभ, आओ पढ़े पढ़ाए करना है प्रारंभ, ज्ञान की ज्योत जलाए पसारेंगे, धरती पे सूर्य उतारेंगे, आंधी आए या तूफान हिम्मत न हारेंगे, आओ पढ़े पढ़ाए करना है प्रारंभ, ज्ञान की ज्योत जलाए करना है प्रारंभ। भाई अब्दुल्ला, कल रात तो तेरी जोरों ने कमाल ही कर दिया। गांव में किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये अपनी ही गांव की शकीला है। अरे तब तुम्हें क्या, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी ही घरवाली है। भाई शकीला जैसी औरतों की जरूरत तो इस गांव वासियों को है। वो यहाँ के लोगों को पढ़ाने में सहयोग दे सकती है। वो बड़े समझदार तो थी ही, लेकिन अब तो वो पढ़ लिख भी गई है। भैया उसकी इस लगन को बरकरार रखने में उसका सहयोग देना, उसे खत्म नहीं होने देना। आप ठीक कह रहे हो ताऊ, खुद तो पढ़ा नहीं, घरवाली को भी अनपढ़ रख दिया। अब इस गलती को सुधारना तो है ही। तुम्हें तो सुधारना है, हम तो सुधार रहे हैं। हाँ, रात को 12-12 बजे तक पढ़े हूँ इनके साथ। देखा, ये है पढ़ने लिखने के फायदे। पहले ये रात को 12-12 बजे तक लड़ते थे, अब पढ़ते हैं। अच्छा मजाक छोड़ो, वही बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बिमला ठीक कह रही है, हंसी खेल में वक्त बर्बाद करने से अच्छा है हम गांव की तरक्की को लेकर कोई योजना बनाएं। कैसी योजना ताऊ? कोई भी ऐसी योजना जिसमें हमारे गांव की तरक्की तो हो ही, साथ में उसका नाम भी रोशन होना चाहिए। हम ऐसी क्या योजना बना सकते हैं ताऊ? पर ताऊ, हम उसे लागू कैसे करेंगे? यही तो सोचने की जरूरत है बिमला। क्या बात है, बड़ी महफिल जम रही, किस मुद्दे पर बहस हो रही? आज बहस का मुद्दा है तू। अरे कल तो तूने सबको चौंका ही दिया। चल रही, काहे मजाक करें। हम सब सच कह रहे हैं शकीला, कल तुमने जो करिश्मा किया है उससे सारे गांव वाले प्रभावित हैं। ये तो आप सबकी मोहब्बत थी जो हम ये सब कर पाए, वरना सबके सामने कविता पढ़ने की हिम्मत हम तो ना जुटा पाते। हम अपने गाँव की तरक्की को लेकर कोई योजना बनाना चाहते है। ऐसी क्या योजना हो सकती है शकीला? योजना? हाँ, एक योजना है मेरे पास। सच? अरे तो जल्दी बताना। हमें भी अपने गांव में शहरी लोगों की तरह हर महीने एक नौटंकी करनी चाहिए। उससे गांव के लोगों का मन बहलाव तो होगा ही, साथ ही हम उन्हें शिक्षित होने के लिए रास्ता भी दिखा सकेंगे। ये योजना तो ठीक रहेगी शकीला, इसमें गांव के ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। पर भैया ये नौटंकी करेगा कौन? भाई मेरे बस की बात तो है नहीं। हम करेंगे ताऊ, विमला, रामकलित, हम सब मिलकर करेंगे। आज ही शाम को करते हैं अपनी योजना की शुरुआत। शुरू में दिक्कतें जरूर आएंगी, पर कोई जी छोटा ना करे। एक छोटी सी चीज से शुरू करेंगे और होते होते पूरी नौटंकी सीख जाएंगे, बड़ा मजा आएगा।
थाना है, थाना है हमने तो भैया, थाना है हमने तो भैया, पढ़ना और पढ़ाना है, पढ़ना और पढ़ाना है, भारत के जन जन को भैया, भारत के जन जन को भैया, साक्षर हमें मिलाइएगा आप, थाना है, थाना है, थाना है हमने तो भैया, थाना है हमने तो भैया, पढ़ना और पढ़ाना है, भारत के जन जन को भैया, साक्षर हमें बनाना है, साक्षर हमें बनाना है, साक्षर बहुत अच्छे। हम लोगों ने जितना सोचा था आप लोग उससे कहीं ज्यादा हुनरमंद निकले। आप लोगों के इरादे देखकर ये लगता है कि हम लोगों को आपका शुक्रिया अदा करना होगा, इसलिए कि संपूर्ण साक्षरता अभियान में आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया। अब अगर आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। दीदी जी, सरकार की आगे की क्या योजनाएं हैगी? साक्षरता अभियान के अंतर्गत ही हमें जन शिक्षण संस्थान यानी हुनर विकास पर भी बल देना चाहिए। मतलब जन शिक्षण संस्थान, जिसे बहुसंयोजी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी कहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई के लिए एक नई योजना है। इसकी विशेषता क्या है भैया? इसकी विशेषता यही है कि अगर मजदूर पढ़े लिखे होंगे तो वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकेंगे, चाहे वो काम धंधा कोई भी करते हों, और इसके अलावा वो अपना जीवन स्तर भी ऊंचा उठा सकेंगे। तो क्या ये हुनर विकास बहुत जरूरी है? हाँ ताई, हुनर विकास आज का बहुत ही जरूरी मुद्दा है। आज सरकार की कोशिश यही है कि हुनरमंदों को लगातार आगे बढ़ाना है, जिससे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतें पूरी हो सकें। इसलिए उसने रोजगार और स्वरोजगार पैदा करने वाले और जरूरी हुनरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने पर विशेष बल दिया है। हमें साक्षरता कार्यक्रमों के साथ हुनर विकास कार्यक्रमों को जोड़ना है ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। यही नहीं, हमें उत्तर साक्षरता पर भी बल देना होगा। उत्तर साक्षरता? उत्तर साक्षरता संपूर्ण साक्षरता अभियान की समाप्ति पर शुरू किए गए कार्यक्रम हैं। उत्तर साक्षरता का एक उद्देश्य ये है कि वो लोग जिन्होंने अभी जल्दी पढ़ना सीखा है, अपने इस हुनर को अपनी समस्याएं सुलझाने में इस्तेमाल करें, ताकि उनकी शिक्षा, उनके रहन सहन और उनके काम काज में सहायक बन सके। यही नहीं, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम का पहला काम है बाकी बचे हुए निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने की तुरंत कार्रवाई। और हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग सरकार के इस अभियान में भी उसकी पूरी मदद करेंगे। हमें देश के एक एक अनपढ़ को साक्षर बनाना है। देखिए, पूरे विश्व में लगभग 90 करोड़ लोग निरक्षर हैं, जिसमें एक तिहाई तो सिर्फ भारत में ही है। इस कलंक को धोने के लिए हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के सहयोग की जरूरत है। हमें ईच वन टीच वन के उसूल पर चलना होगा। ईच वन टीच वन का मतलब है कि हर एक पढ़ा लिखा इंसान कम से कम एक अनपढ़ इंसान को जरूर पढ़ाएगा।
तभी इस देश से निरक्षरता को पूरी तरह से मिटा पाएंगे। और ये काम सिर्फ प्रौढ़ साक्षरता केंद्रों से ही नहीं चलेगा, शिक्षा देने के लिए हमें और भी तरीके अपनाने होंगे जिससे अनपढ़ लोगों के मन में पढ़ाई लिखाई के प्रति लगन पैदा हो, उन्हें इसकी जरूरत महसूस हो। जैसे कि हमारी नौटंकी। अरे हाँ, नौटंकी का वक्त तो होने को आया, चलिए वही मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। धन्यवाद। अब प्रारंभ नौटंकी टीम आरंभ करती है आज का नाटक। एक गांव में रहता था छोटी जाति का बेचारा, जहां नहीं था लोगों में आपस में भाईचारा। जात पात के नाम झगड़ा करते थे, कुछ सोते भर पेट थे, कुछ यूं ही गुजारा करते थे। माँ मुझे भूख लग रही है। अभी लाई बेटा। अरे सुन, तू और कुसुम खाना खा ले, मुझे आज भूख नहीं लगी है। अरे भूख कैसे नहीं लगी, दिन भर मजूरी की है, भूख तो लगी होगी। जो भी है मिल बांट कर खा लेंगे, भगवान ने चाहा तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। चंपा, पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म करे होंगे जो तुझ जैसी बीवी मुझे मिली है। बीवी के रूप में तुझे पाके मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। इतने दुख में भी तू मेरी हिम्मत बंधाती रहती है। अरे पत्नी का धर्म तो पति का साथ देना ही तो है, मैं तो अपना धर्म निभा रही हूँ। लीजिए। पहले तू खा ले। नहीं, पहले आप लीजिए। अच्छा ठीक है, हमारे पास जो कुछ भी है उसे आधा आधा बांट कर खा लेंगे। ले। इस तरह पति पत्नी चुपचाप दुखिए सहते, नहीं किसी से कहते, कुछ नहीं किसी से कहते। इस तरह पति पत्नी चुपचाप दुखिए सहते, नहीं किसी से कहते, नहीं किसी से कहते। एक विपदा एक दिन उन पर आन पड़ी, उनकी प्यारी बच्ची जोरों से बीमार पड़ी। कुसुम बेटा, बेटा तुम ठीक हो जाओगी बेटा। कुसुम, अरे बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। तू फिक्र मत कर, भोले बाबा सब ठीक करेंगे। अब तो उन्हीं का सहारा है, तुम एक काम करो। हाँ बोल। देवी माँ के मंदिर से जाके इसके लिए जरा सा प्रसाद ले आओ, ये उसका प्रसाद खा के ठीक हो जाएगी। जानती है क्या कह रही है, मंदिर में भला मुझे कौन घुसने देगा। अरे भगवान किसी एक का होता है क्या, वो तो सबका होता है। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, फिर जरा से प्रसाद से किसी का क्या बिगड़ेगा, मेरी बच्ची की जान बच जाएगी। जाओ तुम, जल्दी जाओ। अरे जाओ ना। ठीक है, जाता हूँ। कुसुम, कुसुम बेटा, कुसुम बेटा।
ननकू मंदिर पहुंचा कि मिले उसे भगवान, ननकू मंदिर पहुंचा कि मिले उसे भगवान, मिले नहीं भगवान पर हुआ बड़ा अपमान, मिले नहीं भगवान पर हुआ बड़ा अपमान। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तू जानता नहीं ये मंदिर हमारा है, हमारा, चल भाग यहाँ से। पर भैया मंदिर तो भगवान का है। अरे इसकी इतनी मत, हमसे जवान लड़ाता है, हमको बता रहा है ये मंदिर किसका? हमारा है ये मंदिर, चल भाग यहाँ से। भैया कैसा जमाना आ गया, अब ये लोग हमारी बराबरी करने लगे हैं, निकल यहाँ से, पूरा मंदिर अशुद्ध कर दिया। अरे उठा के भाग इसको। भैया मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे थोड़ा सा देवी माँ का प्रसाद दे दो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये पाप करने के बदले में हमारी बेटियों को जो सजा मिलेगी उसे कौन भुगतेगा? पूरा मंदिर अशुद्ध कर दिया, फिर से धोना पड़ेगा। यहाँ आने की जरूरत की तो टांगे तोड़ दूंगा, ये भाग यहाँ से। पर मेरी बेटी, चड़ी बली मंदिर में ननकू के सम्मान की, हैवान वहाँ पर जीत गया हार हुई की, हैवान वहाँ पर जीत गया हार हुई इंसान की। रोते हुए ननकू घर आया, हंसते हुए बच्ची को पाया, हंसते हुए बच्ची को पाया। मिटा कौन सकता है भाग्य का लेखा भाया, मिटा कौन सकता है भाग्य का लेखा भाया, मिटा कौन सकता है भाग्य का लेखा भाया, भाग्य का लेखा भाया, भाग्य का लेखा भाया। अरे आपने इतनी देर लगा दी, देखो देवी माँ ने हमारी सुन ली, हमारी कसम ठीक हो गई। सच? लेकिन ये हुआ कैसे? अरे मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके मंदिर जाने से ये सब। अरे आपको क्या हुआ? दीना ने मुझे मंदिर में घुसने ही नहीं दिया चंपा, मुझे मार मार कर उन लोगों ने भगा दिया वहां से। हे देवी माँ उन्हें माफ कर दे, उन्हें समझ नहीं उन्होंने क्या किया है, भगवान ना करे किसी पे ऐसा वक्त आए जो हम पे आया है। चलिए अंदर चलिए। समय का चक्र बलवान बहुत होता है, फंसकर इसमें इंसान उम्र भर रोता है। दीना ने भी ये सच जल्दी जान लिया, जब उसकी बच्ची को एक सांप ने काट लिया, एक सांप ने काट लिया। ये मेरी दादी का कमरा और ये नीचे वाला नानी का, और हाँ ये मेरी गुड़िया का, यहाँ इसी के साथ मैं भी रहूंगी। ये मेरी दीदी का कमरा। अरे ये तो दीना की बेटी है, क्या हुआ इसे? बेटा क्या हुआ तुझे? ओ, ओ। कटोरी, कटोरी बेटी, कटोरी क्या हुआ? अरे इसको तो सांप ने काटा। कटोरी बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो कटोरी बेटा। अरे ननकू मैंने तुम्हें मंदिर से धक्के मार कर निकाला,
फिर भी तुमने मेरी बेटी की जान बचाई ननको, तुम इंसान नहीं भगवान हो, मुझे माफ करो, तुम भगवान हो ननको भाई। ये तो बच्चे हैं दीना भैया, ये भगवान का रूप होते हैं, ये जात पात नहीं जानते। दीना भैया, मैं छोटी जाति का भले ही सही, लेकिन मैंने वही किया जो एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ करना चाहिए। देखो दीना, इंसान का इंसान के साथ जो भेदभाव है वो सिर्फ अज्ञानता और अशिक्षा की वजह से है। अगर तुम पढ़े लिखे होते तो उस दिन मंदिर में ननकू के साथ बुरा व्यवहार कभी नहीं करते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन जी, वो मेरी अशिक्षा का ही परिणाम था कि मैंने उस दिन ननकू भाई को बुरा भला कहा, इन्हें जलील किया, मंदिर में घुसने नहीं दिया बल्कि धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये जो छुआछूत की बीमारी है इसने हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया है, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें लड़ना है, पढ़ना है और इस छुआछूत की बीमारी को अपने देश से दूर भगाना है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन जी, मैं आज ही प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में दाखिला लूंगा और इस गांव से छुआछूत की बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और दीना भैया, इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, आज से मैं भी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में दाखिला ले लूंगा। ननकू भाई, हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर समाज की इन बुराइयों को दूर भगाएंगे और खुद पढ़ने लिखने के साथ साथ कोशिश करेंगे हमारे जैसे दूसरे भाइयों को भी पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करें। ठीक है दीना भैया। तो ये था प्रारंभ नौटंकी टीम का नाटक। प्रारंभ नौटंकी टीम ने आप लोगों का खूब मनोरंजन किया है, खूब हंसाया है आप लोगों को। कदम कदम पर आप लोगों ने हमारी मदद की है, हमेशा हमें सहयोग दिया है और इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। लेकिन अब प्रारंभ नौटंकी टीम आप सबसे इजाजत चाहती है, यहाँ से जाने की इजाजत। नहीं दीदी जी, हम आपको नहीं जाने देंगे। हाँ, कभी नहीं जाने देंगे। अरे ऐसा नहीं कहते, आपने हमें शिक्षित बनाया है, नई राह दिखाई है, हम आपको कभी नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। क्या आप नहीं चाहते कि आप लोगों की तरह और लोग भी पढ़ें, शिक्षा का ये दीपक हर गांव में जले? चाहते हैं, लेकिन आपके जाने से क्या शिक्षा का ये दीपक यहाँ बुझ नहीं जाएगा? नहीं, कभी नहीं बुझेगा, इसे अब तुम लोग हमेशा जलाए रखोगे, बल्कि अब ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। हमें विश्वास ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आप ना सिर्फ इस दीपक को जलाएंगे बल्कि इसे घर घर रोशन करने में हमारी सरकार की पूरी मदद करेंगे। पर बेटा, अब हमसे कोई भूल हुई तो हमें कौन राह बताएगा? नहीं नहीं, हम आपको बिल्कुल नहीं जाने देंगे। शिक्षा के बिना हम अंधों का सा जीवन जी रहे थे, हमें सही गलत कुछ नहीं पता था, अशिक्षा की लाठी लिए हम गलत मार्ग पर चल रहे थे। आप लोगों ने हमें सही रास्ता दिखाकर हमारे हाथ से वो लाठी छुड़वा दी। आप लोगों के जाने के बाद हम वो लाठी फिर पकड़ सकते हैं। अब्दुल्ला भाई, आज देश के करोड़ों लोग अशिक्षा की वजह से अंधे हैं, गलत रास्तों पर चल रहे हैं। वो क्या आप नहीं चाहते कि वो अशिक्षा की लाठी छोड़कर शिक्षा के बताए सही रास्ते पर चले? अच्छा ये बताइए, हमारे जाने के बाद आप लोग हमें याद रखेंगे ना? भूल तो नहीं जाएंगे, हम आपको कैसे भूल सकते हैं, आप लोगों की तो आदत ही हो गई है हमें। दीदी जी, आप भी हमें याद करोगी ना? अरे हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, अगर तुम लोग नहीं होते तो क्या हम अपने कार्य में सफल हो सकते थे? आज आप लोग जा रहे हो, आज ही हमने इस गाँव में नाटक मंडली बनाने की योजना बनाई है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बहन जी, जब आप लोग चले जाएंगे तो हमें नाटक करना सिखाएगा कौन? तुम्हारे पास शकीला जैसी अदाकारा है, वो सिखाएगी तुमको। नहीं दीदी जी, हमसे नहीं होगा ये सब। क्यों नहीं होगा? पहले भी जब पढ़ाई की बात हुई थी तो तुमने कहा था मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, और आज सबसे ज्यादा पढ़ाई तुम ही ने की है। तुम ये काम कर सकती हो और तुम्हें ये काम करना चाहिए। ठीक है दीदी जी, आप कह रही हैं तो हम जरूर कोशिश करेंगे। अच्छा, हम अब आपसे एक और बात की इजाजत चाहते हैं। कैसी इजाजत? हम चाहते हैं कि सरिता और हरी सिंह हमारे साथ शहर जाएं, वहाँ उनका विकास तो होगा ही, साथ ही उनकी प्रतिभा और निखरेगी। लेकिन दीदी हम, अरे तेरा भी मन करता है ना इनके साथ जाने को?
ध्यान दीदी, बापू ने भी आज्ञा दे दी है। बापू कहते हैं कि अगर मैं रजनी दीदी लोगों के साथ जाऊंगी तो बीए एमए सब कर लूंगी। ठीक है, अगर ये लोग जाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। जा बेटी जा, शहर जाकर अच्छी अच्छी बातें सीखना, पर अपनी इस दादी ने कभी मत भूलना। ना दादी, आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ दादी। अच्छा ताऊ, राम राम। अच्छा राम कलित, अब्दुल्ला भाई, छुट्टी छुट्टी आता रहूंगा। अरे, हमारे गांव का नाम रोशन करना। पहुंचते ही हर दूसरे तीसरे दिन हमें चिट्ठी जरूर लिखना। और आप लोग भी लिखना, लेकिन खुद अपने हाथ से। हम लोग आपकी लिखावट पहचानते हैं। हम चिट्ठी जरूर लिखेंगे और सही पते के साथ लिखेंगे। भैया जी, आप हमें अपना पता जरूर लिखवाइएगा। हम जब भी शहर आएंगे आपसे मिलने जरूर आएंगे। और तुम भी अपना पता सही कर लेना। ये नहीं कि नीम के पेड़ के नीचे गणेशी साइकिल वाला की दुकान पर पहुंचकर राम कलित चौधरी को मिले। दीदी जी, हम कोशिश करेंगे कि महीने में एक बार नौटंकी करके गांव वालों को शिक्षा का महत्व समझा सके। बहन जी, हमने जो नाटक तैयार किया है उसे देखने आप आएंगी ना? और जब आप पूछेंगे कि नाटक पसंद आया तो हम जोर से बोलेंगे बहुत पसंद आया। अब हम जब भी कभी अखबार पढ़ेंगे, बोर्ड वाले विज्ञापन देखेंगे, दीवारों पे लिखे विज्ञापन पढ़ेंगे और वो जो गांव में पर्चे बटे हैं उन्हें पढ़ेंगे तो हमें आप सबकी बहुत याद आएगी। हमें आप सबकी बहुत याद आएगी। और हम जब भी किसी नौजवान को अखबार पढ़ते हुए देखेंगे तो हमें राम कलित की याद बहुत आएगी। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसका मतलब ये आपके लिए एक नई शुरुआत है, प्रारंभ है। हम यहाँ से जरूर जा रहे हैं, लेकिन अपने सपने, अपनी आशाएं आप लोगों के पास छोड़कर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि शकीला गांव के प्रौढ़ शिक्षा केंद्र को हमेशा हमेशा के लिए आबाद रखे। और हमें खुशी होगी कि राम कलित हमसे शहर में आके मिले और ये कहे कि मैं तो यहाँ किताबें खरीदने आया हूँ। राम सिंह जी की चिट्ठी हमें मिले जिसमें लिखा हो कि अब आकर जरा गांव को देखिए, आपने तो सिर्फ एक सरिता को पढ़ाया था, हमने तो कई सरिताओं को पढ़ा दिया है, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए। तो अब हम चलते हैं। नमस्ते।